तो गाइस अभी बज रहा रात के 12 बजे और यहाँ पे फ्री फायर में आ चुका है न्यू फेडरल विल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो गन दिखाई दे रहा होगा आपको, एक ओड पीकर एंड यहाँ पे डीजल ईगल। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्किन काफ़ी ओपी लेजेंडरी स्किन है। और गाइस मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि क्या आपको एक गन स्किन निकालना चाहिए कि नहीं। ठीक है, और वन स्पिन इसमें ट्रेक काम करेगा कि नहीं, वन स्पिन ट्रेक क्या होगा। ठीक है, और इसमें टोटल टाइमिंग कितने लगेंगे तो इसके बारे में गाइस बात करने वाले हैं। गाइस यहाँ पे आप लोग देख लो कितनी लेजेंडरी गन स्किन है। एंड गाइस इसमें बता दूं कि ये दूसरे कंट्री का सर्वर है, इसलिए मैं इसमें एक भी स्पिन नहीं करने वाला और मैं यह वीडियो बहुत पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ, एक दो घंटे पहले। ठीक है, तो मैं वीडियो बाद में पोस्ट कर दिया था। तो चलिए गाइस सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या आपको गन स्किन लेना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख लो कितनी ओसम लग रही है यार इसकी स्किन, पूछो मत, कितनी ओपी लग रही है देखने में। ठीक है, और इसकी एट्रीब्यूट की बात कर लीजिए तो यहाँ पे आपको डबल रेंज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब इससे गाइस आपको यार हर गोली हेड ही लगेगा, मतलब समझ लो यार पूरा का पूरा गोली हेड पे ही उतारेगा। ठीक है, तो गाइस अगर आप लोग उडपीकर अच्छा चला लेते हो तो आपको ये स्किन लेनी चाहिए क्योंकि बहुत ही हेड मारेगा। ठीक है, अगर आप लोग इसका यूज नहीं करते हो तो आपको नहीं निकालना है क्योंकि यार इसमें टोटली 1100 से 1200 डायमंड लग जाएंगे। ठीक है, तो गाइस मेरी बात मानो तो आप लोग इसमें एक भी डायमंड वेस्ट ना करो, आप लोग इसमें स्पिन ना करो। ठीक है, क्योंकि इससे ही अच्छा और इवेंट आने वाला फोर्थ एनिवर्सरी का। ठीक है, तो चलिए गाइस अभी हम बात कर लेते हैं वन स्पिन के बारे में। तो सब लोग को पता होगा यार हमें डीजे कलवा एडम को ले लेना है, तो यहाँ पे आपको कलवा एडम ले लेना है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, करेक्टर में जाओ, यहाँ पे कलवा एडम को ले लेना है और यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको कपड़ा पहना देना, इंटरफेस आपको कर देना है इसका। ठीक है, एंड यहाँ पे पेट में, कलेक्शन में, वेपन में आपको क्या क्या करना है आपको सबको पता होगा क्या करना है, सभी चीज़ों को अनइक्विप कर देना है। बट गाइस आपको इमोट सेक्शन में जाकर के इमोट को अनइक्विप नहीं करना। ठीक है, और मेरे पास है ही नहीं गाइस को मैं अनइक्विप करूँ। ठीक है, एंड गाइस वेपन में जाने के बाद आपको जितने भी गन हैं, ठीक है, आपके पास जितने भी गन स्किन है ना उसको क्या करना, सभी को अनइक्विप कर देना है, मतलब कि सादा गन कर देना है। ठीक है, उसके बाद से फिस्ट हो, पैन हो, कुछ भी हो, इसको क्या करना, अनइक्विप कर देना है। एंड गाइस उसके बाद से आपको बैक आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ से सभी के सभी मेरा आइटम इक्विप हो चुका है। उसके बाद से गाइस आपको क्या करना है, सेटिंग के ऑप्शन पर जाना है जैसे कि मैंने हर बार की तरह आपको बताया है, और यहाँ पर आपको क्लियर कैश कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लियर कैश कर देता हूँ, 2-3 बार आपको भी क्लियर कैश कर देना है। ठीक है, देन गाइस इसके बाद से आपको नॉर्मली आ जाना अपने लक रॉयल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने लक रॉयल के अंदर आ चुके हैं। एंड गाइस यहाँ पे आप लोग देखो क्या गलती करते हो और क्या गलती नहीं करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको गोल्ड रॉयल में एक स्पिन कर देना है। देन गाइस अगर आपके पास वाउचर है तो यहाँ पे आपको बीपन वाले में भी वन स्पिन कर देना है। ठीक है, एंड गाइस उसके पास अगर आपके लोगों के पास यहाँ पे इनक्यूबेटर का वाउचर है तो आप लोग इसमें एक स्पिन कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर है तो एक स्पिन कर देना है। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से गाइस आपको क्या करना है, डायमंड रॉयल में आकर के आपको एक स्पिन कर देना है। ठीक है, अगर वाउचर है तो, अगर नहीं है तो फिर करो। ठीक है, कहीं से भी करके आपको करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाना है फेडरल विल के अंदर। तो यहाँ से गाइस देखो आपको स्पिन करने से पहले क्या करना है, आपको गन पे यानी कि गन वाले पे बार बार टैप करना है, इसको हैंड में ले लेना है, बार बार टैप करो, हैंड में ले लो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद से गाइस आपको क्या करना है, आपको सबको पता होगा कि यहाँ पे हमें दो आइटम को चूज करके निकालना होता है, तो आपको कौन कौन से आइटम को निकालना है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको पेट फूड ले लेना है एंड यहाँ पे आपको स्कैनर कार्ड। ठीक है, तो यहाँ से आपको चूज करके इसको निकाल देना है। ठीक है, उसके बाद से गाइस आपको क्या करना है, चलिए आगे देखते रहिए। देन गाइस उसके बाद से यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना निकल जाएगा, उसके बाद से आपको क्या करना है, फ्री का वन स्पिन मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस पर बार बार टैप करना है, हैंड पे लेना है, बार बार टैप करो, हैंड पे लो और यहाँ पे आपको स्पिन कर देना है। तो देखो गाइस यहाँ पे वन स्पिन ट्रिक कुछ काम नहीं करता, देखो नहीं निकला। ठीक है, तो गाइस अगर आप लोग इस ट्रिक का यूज करते हो तो गाइस देखो वन स्पिन में तो नहीं निकलेगा, किसी बंदे का निकल भी सकता है। तो गाइस देखो अगर आप लोग स्टेक का यूज़ करते हो तो आपको 200 डायमंड के अंदर निकल जाएगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोग स्टेक का यूज़ करना, आप लोगों का 200 डायमंड के अंदर ही निकल जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये वाली वीडियो आपको कैसा लगा, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि यार बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और सब्सक्राइब कर दियो तो यार छोटी सी बेल आइकन दिखाई दे रही होगी पास में, उसको भी ऑल पे सेट कर देना ताकि हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो प्लीज़ यार गाइस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपन दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उन लोगों को पता चले क्या इसमें हमें डायमंड वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो गाइस प्लीज़ यार वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। तो अभी तक के लिए बाय बाय, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय गाइज़।